गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग गए थे वॉक पे सुबह 6:30-7:30 के आसपास, और मैं और जोशी जा रहे थे मार्केट दूध लेने। दूध ख़त्म हो गया था। तो ये हमारे घर के बाहर का सीन है, थोड़ा हम नीचे वहाँ से वॉक करते हुए। ये शिशौन के पेड़ हैं, बड़े तेज़ चुभता है ये पत्ता। लाइक बचपन में जब हम कभी बेड पे सुसु कर देते थे तो हमारी मम्मी लगाती थी हमें, बाई गॉड बहुत तेज़ चुभता है हर ये पौधा ना। और फिर वहाँ से हम धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं वॉक की तरह। ये पीछे हमारे घर के पीछे का रास्ता है, वहाँ से है ये, और वहीं पे छोटी सी मार्केट स्टार्ट होती है। और ये मार्केट वहाँ पर है, उस टाइम पे ओपन नहीं थी, और पूरी कल रात बारिश थी तो रोड पूरी गीली थी। रात से सुबह सुबह अच्छी खासी तेज़ धूप है, बहुत ही गर्म लग रहा था धूप में चलने में। और हम लोग फिर यहाँ से पहुँचे सीधा रिलायंस, और रिलायंस ये रिसेंटली अभी यहाँ ओपन हुआ है 2-3 साल शायद। तो बस हमने यहाँ से दूध लिया, फिर हम ऊपर रोड मेन रोड से वॉक करते करते आए। काफ़ी लंबा था, अच्छी खासी वॉक हो गई थी। अब ये मेन रोड से हमारे घर की तरफ हम जा रहे हैं नीचे को, तो यहाँ पे एक अंकल जी की दुकान है छोटी सी। यहाँ पे ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि आस पड़ोस में सब आपको जानते पहचानते हैं, और सबसे हाय हेलो नमस्कार प्रणाम करते करते आप घर पहुँच जाते हैं, टाइम का पता नहीं चलता है। और यहाँ की यही सादगी मुझे बहुत पसंद है कि लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, अपने नॉर्थ की तरह नहीं कि सब अपने बस दो कमरे में घुसे पड़े हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं है। पता नहीं, मुझे वो पसंद नहीं आता है। तो ओके, शायद यही वजह है कि मैं यहाँ से ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। अब यहाँ पे ये हमारे घर है, और घर के पहले हमारे वहाँ पे एक शिखा रिजॉर्ट पड़ता है हमारे रिजॉर्ट से पहले। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि कोई आसपास रिजॉर्ट है तो बताना, तो ये उसकी मैंने वीडियो बना दी है और उसमें नंबर भी मेंशन है, आप यहाँ पता कर सकते हैं। रूम भी अवेलेबल है, पार्टी शार्टी पार्टी वार्टी शादी सब होता है, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट पे बात कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा रिजॉर्ट है, मैंने पर्सनली हमने तो बुक करे थे अपने फंक्शन में रूम्स, रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं। अब यह हमारा रिजॉर्ट है पाइनवुड, और यहाँ से हमारी मेन गेट की एंट्री है, और यहाँ साइड में हमारा ये मंदिर है शिव जी का। यहाँ पे डेली पूजा पापा कभी सुबह करते हैं, कभी मम्मी करती हैं, या कभी पंडित जी आ जाते हैं वो पूजा कर लेते हैं। और यहाँ से अब हम नीचे को जा रहे हैं, रास्ता बना हुआ है चारों तरफ, दोनों तरफ इधर उधर पूरा पेड़ पौधा लगा है। ये अनार का पेड़ लगा हुआ है, ये नाशपाती का है, और ये सब पेड़ पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। गुलाब इस बार झड़ गए थे सारे क्योंकि बारिश हो गई थी, तो इस वजह से टिके नहीं। बट अभी जो नए नए फूल हो रहे हैं ना, मतलब बहुत ही अच्छे वाले, मैं फ़ोटो डालूँगी फूलों की बहुत सारी। और ये आड़ू हो रहे हैं, इस बार अभी तक पके नहीं हैं क्योंकि यहाँ बारिश की वजह से वो फिर नहीं पक पा रहे हैं, अभी टाइम लगेगा थोड़ा। और ये पूलम भी हो रहे हैं ना, मतलब अभी तो पूरे ही हरे हैं, बट हम तो वेट ही कर रहे हैं कि जल्दी से पक जाएं और हम फटाफट इन्हें खाना शुरू करें। ये हमारा बगीचा, और बस इसके बाद ये तो ये हमारे बगीचे में हो रहा है पुदीना, एकदम फ्रेश फ्रेश मैंने पुदीने तोड़े हैं। आज मैं बना रही हूँ पुदीने अदरक की चाय, और बस सुबह की शुरुआत तो यहाँ चाय से ही होती है, तो चाय बन रही है बढ़िया सी। और आज हम मॉर्निंग वॉक पे भी गए थे, अभी मैं उसका वीडियो भी डालूंगी, काफ़ी अच्छा था आज मॉर्निंग का। ये चाय हो गई है रेडी। आ रही हूँ मैं पोहा नाश्ते में, और फिर आज हमारा प्लान है कि यहाँ पे एक मंदिर है जहाँ पे जो काफ़ी ऊपर टॉप पे, मैं आज आपको वीडियो जो बनाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी, आज वहाँ पे रामायण चल रही है, तो हम सब आसपास के 800 अड़ोस पड़ोस के लोग सब मिलके आज वहाँ जाने वाले हैं, और वहाँ लंगर लगने वाला है। तो आज हम एकदम देसी स्टाइल वाला लंगर इंजॉय करेंगे, और उस और रामायण भी पूरी इंजॉय करेंगे। तो बस हम फटाफट ये सब नाश्ता वाश्ता करके नहा धो के रेडी होने वाले हैं, और बस फिर हम लोग हाँ पोहा हो गया हमारा रेडी, बस नाश्ते की तैयारी है, फिर से थोड़ी सी चाय बनेगी। यहाँ पहाड़ों में चाय पीने का मज़ा ही अलग है, जितनी फील होती कम लगती है, तो बढ़िया से फिर चाय बनेगी और बस। तो मंदिर जाने के लिए हम हो गए तैयार, उधर हमें वो टॉप पे ऊपर वहाँ पे जाना है, और हम हो चुके हैं सब रेडी। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हैं, वैसे हम हर साल ही जाते हैं तो बच्चों को भी आइडिया है,
ये कितनी थकान लगने वाली है। चलो ऊपर को, हम आ रहे हैं धीरे धीरे। हमारी माता श्री लगी हैं बातों में, स्लो मोशन में आ रही हैं पहाड़ों में। ये कोई मिल जाए ना तो गप्पे ख़त्म नहीं होती यहाँ पे। और बस हम निकल रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे मेरी नानी रहती हैं, उनके घर हम पहले जा रहे हैं, फिर उनके साथ हम लोग ग्रुप में फिर हम सब जाने वाले हैं। तो धीरे 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 चल रहे हैं पहाड़ों में। ये चीज़ अच्छी लगती है कि अच्छी खासी वॉकिंग और एक्सरसाइज हो जाती है तो वेट लॉस हो ही जाता है, किसी डाइटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। एकदम खड़ी चढ़ाई हमारी नानी के यहाँ, बिल्कुल ऐसे स्टेमिना चाहिए यहाँ पे। ये देखिए एकदम डाउन से ऊपर आना पड़ता है। अच्छी यहाँ से एक्सरसाइज हो जाती है। यहाँ है उनका घर, ये शॉर्टकट था तो पहुँच गए हैं यहाँ। थोड़ा सा रेस्ट लेंगे फिर हम बाकी की चढ़ाई शुरू करेंगे। ये सामने वाला ही उनका घर है पूरा जो दिख रहा है। ये यहाँ पे एक चीज़ मुझे और अच्छी लगती है, लोगों की सादगी, पहनावे में कोई दिखावा नहीं है। और इवन इनके घर भी बहुत सिंपल से होते हैं, बहुत सुकून होता है यहाँ घरों में। ये उनका घर, हम पहुँच गए हैं। ये उनकी मेन रोड है, अब आ गए उनके घर पे। ये है मेरी नानी श्री। हम लोग तैयार होके जा रहे हैं मंदिर घूमने के लिए, घूमने घूमने जा रहे हैं। आगे से जो कट पड़ता है वो ऊपर जाने के लिए। अच्छा वो क्या क्या नाम है गांव का यार वो? हाँ सोन गांव। ये देखो पहले के पुराने घर ऐसे होते थे। ये विनायक है सोन गांव की तरफ जा रहे थे। ये वार्ड नंबर एक हुआ ग्राम सभा। यहाँ सब बातें बूते करते पहुंच ही जाते हैं। राठौर का नहीं ना ये वो मंदिर के जाने के लिए एंट्री है पहाड़ में। हम एंट्री कर चुके हैं, यहाँ से हमें जाना है। ग्रुप के साथ जाने के मज़ा ही अलग है, गप्पे मारते बढ़िया से टाइम पास हो जाता है। चढ़ाई मंदिर के लिए, ये देखिए कैसी चढ़ाई है, खड़ी शॉर्टकट है रास्ता। एक ऐसे नीचे से था रास्ता, वो लंबा था तो हम यहाँ से शॉर्ट। ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए एकदम खड़ी चढ़ाई है। यहाँ से व्यू दिखती, अभी तो और ऊपर जाना है, फिर वहाँ से अच्छे से व्यू देखेगा। थोड़ा घर वाला याद आ रहा है सही में, बाप रे वो तो बहुत ही थी। एक वो वाला रास्ता है जो नीचे दिख रहा है, वो लंबा रास्ता है जहाँ से जोशी जी चले गए और हम शॉर्टकट यहाँ से जा रहे हैं, सीढ़ियों पे चढ़ के जा रहे हैं। ये है व्यू वहाँ से। अभी वो मंदिर वो ऊपर है, देखिए वहाँ जहाँ टेंट लगा है। मैं जूम करके दिखाती हूँ, वो देखिए वहाँ पर। और अभी हम यहाँ हैं तो अभी हमें और चढ़ाई चढ़नी है। आधी हम चढ़ चुके हैं, आधी और बाकी। अभी अब हमने पार कर लिया है। क्या हवा आ रही है यार, इतनी सुंदर, इतनी अच्छी हवा चल रही है। जो लोग अभी नीचे हैं आ रहे हैं, अभी हमें थोड़ा सा और ऊपर जाना है बस। यहाँ पहुँच गए हैं, देखिए कितना पतला है। और इसमें ये वाली घास है जो कि काफ़ी फिसलती हैं, तो बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। मैं वीडियो बनाते वक्त बहुत ध्यान ध्यान से चल रही हूँ,
बिल्कुल भी, थोड़ा सा पैर फिसला तो सीधा नीचे नॉन स्टॉप। तो ये जंगल के बीच में है पूरा, बट यार सीरियसली बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। और ये जो ब्राउन ब्राउन कलर की ये जो घास पड़ी है, इसकी जो खुशबू है इतनी अच्छी रहती है, बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है यार, पूरा जंगल में हम हैं मेन। और यहाँ पे अभी आते हुए हम लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट करने वाले हैं, देखिए। और हवा तो इतनी अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। फाइनली हम मंदिर में पहुँच गए हैं, अपनी डेस्टिनेशन। ये है मंदिर जहाँ पे रामायण चल रही है, सब लोग यहाँ बैठे हैं। आज यहाँ बढ़िया लंगर लगने वाला है, कीर्तन चल रहे हैं। और हमारी नानी श्री आ रही है लट्टी ले लेके। तो देखिए हम कितना ऊपर आए, हम वहाँ नीचे थे तो यहाँ ऊपर आए। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ, यहाँ से मतलब मन ही नहीं करता जाने का। मंदिर में पहुँच गया, यहाँ हवन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है। ये मंदिर है, प्रसाद में बना है आलू पूरी, हलवा, रायता और एक चटनी, अचार। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ये सब चीज़ें बहुत मिस करते हैं हम। पहाड़ों की यही सादगी मुझे बहुत बहुत पसंद आती है।